हाय दोस्तों, आज हम सब दुनिया के प्राकृतिक को देखेंगे और सुंदरता को महसूस करेंगे। दुनिया में इतनी प्राकृतिक खूबसूरती है जिसे देखकर लगता है कि बस ये पल यहीं ठहर जाए, आँखों में समा जाए। पहाड़ों से गिरते झरनों की बूंदें जब हमारे चेहरे से टकराकर हमारे भीतर तक भिगो देती है, तब जो एहसास होता है उसे अगर आप भी महसूस करना चाहते हैं तो इन वाटरफॉल के करीब जाकर ऐसा सुकून और आनंद ज़रूर लीजिए। तो दोस्तों, आज हम ऐसे ही 10 खूबसूरत झरने को दिखाएंगे जिसे देखकर आप सब बस देखते ही रह जाएंगे। आप सब वीडियो का आनंद लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें और बेल आइकन भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। पहले नंबर पर एंजल वाटर फॉल्स, यह दुनिया का सबसे ऊंचा झरना है जिसकी ऊंचाई 779 मीटर है। यह वेनेजुएला की चुरुम नदी पर स्थित है। एंजल फॉल्स इतना ऊंचा है कि ऊपर से गिरते समय इसका काफ़ी पानी तेज़ हवा के साथ मिलकर छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है और हवा में उड़ता है। दूसरे नंबर पर न्यूयॉर्क का नियाग्रा वाटरफॉल। नियाग्रा वाटरफॉल दुनिया के सबसे चर्चित जलप्रपात है। दोस्तों, दरअसल ये 3 झरनों का एक ग्रुप है। ये झरना कनाडा के और अमेरिका की प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी है। नंबर 3, काइटेरियोर वाटरफॉल गुयाना। गुयाना का काइटेरियोर काइटूर वाटरफॉल। दोस्तों, यह झरना बहुत ही खूबसूरत है। यह झरना दुनिया का सबसे बड़ा सिंगल ड्रॉप यानी एक बार में गिरने वाला झरना है। नंबर 4, वैन जियोग डिशन वाटरफॉल सीनो वियतनामा के बॉर्डर की कास्टर हिल्स पर है। यह झरना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा क्रॉस बॉर्डर वाटरफॉल है। यह 30 मीटर यानी 98 फीट की ऊंचाई से गिरता है। नंबर 5, ब्लू नाइल वाटरफॉल। यह इथोपिया की ब्लू नाइल नदी पर है। इसे टिस अबे भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है धुएं वाला पानी। यह दुनिया का सबसे खूबसूरत झरनों में से एक है। नंबर 6, विन्नू फासिल वाटरफॉल्स। यह यूरोप का सबसे ऊंचा और दुनिया का 6वां सबसे ऊंचा झरना है। नॉर्वे की इस झरने की ऊंचाई 850 मीटर है। नंबर 7, जोग फॉल्स। यह महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर स्थित है, पर सरावती नदी पर है। यह 4 छोटे छोटे प्रपात राजा राकेट रोरर और दाम ब्लाचे से मिलकर बना है। इतनी ऊंचाई से गिरता हुआ बहुत सुंदर दिखता है। यह भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। नंबर 8, ये झरना जाम्बिया और जिम्बाब्वे के बीच की सीमा पर स्थित है। यह झरना चौड़ाई के चलते विक्टोरिया फॉल्स को सबसे बड़ा झरना माना जाता है। नंबर 9, इगुआजू वाटरफॉल्स। यह दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक सुंदरता में से एक है। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर स्थित है। इस वाटरफॉल की ऊंचाई कुछ खास नहीं है, पर यह इगुआजू नदी से निकलने वाले झरनों से मिलकर बना है। नंबर 10, यह वाटरफॉल कैनियन के प्रसिद्ध हवासुपाई जलप्रपात एरिजोना में हवासुपाई जनजाति की भूमि पर है। हर साल हजारों लोग झरने को देखने के लिए पैदल चलकर जाते हैं, अपने अपने आश्चर्यजनक फिरोजा पानी के लिए जाना जाता है। नंबर 11, ये है सबसे अमेजिंग वाटरफॉल जो कि बहुत बड़ा
और सुंदर है। दोस्तों, मनुष्य ने दुनिया में कई ऐसी चीज़ें बनाई हैं जो सिर्फ शानदार ही नहीं बल्कि काबिले तारीफ है। जबकि प्रकृति में पाई जाने वाली सुंदरताओं का सिर्फ एक झलक में ही हमें पता चल जाता है कि मनुष्य द्वारा निर्मित वस्तुएं प्राकृतिक सुंदरताओं की तुलना में कुछ भी नहीं है। इस प्रकृति द्वारा निर्मित उन्हीं सुंदर वस्तुओं में झरने भी शामिल हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक शेयर कर दें, बेल आइकन भी दबा दें। धन्यवाद।